बजाज नगर थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक व्यक्ति का पहले से टूटा हाथ फिर तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर की रात 12:30 बजे प्लॉट नंबर 221 रामेश्वरी चौक धाड़ीवाल ले आउट निवासी कबीर दशरूजी बोरबन बजाज नगर थाना क्षेत्र में देवनगर चौक पर अपने दोस्त की राह देखते हुए खड़े थे। इसी बीच बेसा निवासी आरोपी हिमांशु रायकवार उनके पास पहुंचा और शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगा। कबीर ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी हिमांशु ने उनके साथ विवाद कर उनकी पिटाई कर दी। दोपहिया वाहन की चाबी हाथ से ले ली। कबीर के पहले से फ्रैक्चर हाथ पर वार किया जिससे उनका हाथ दोबारा फ्रैक्चर हो गया। बजाज नगर थाने में महिला सहायक पुलिस निरीक्षक शीतल राणे ने आरोपी हिमांशु के खिलाफ धारा 325 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कबीर बोरबंद नावाचे फिर्यादी आहेत ज्यांनी हिमांशु रायकवार यांच्या विरुद्ध तक्रार दिलेली आहे। कबीर हे साधारण मागील 2 वर्षांपासून रेल्वे विभागात खाजगी कंत्राटी पद्धतीने नोकरी करत आहेत। 2018 मध्ये कबीर यांचा ॲक्सिडेंट झाला होता, त्यामध्ये त्यांच्या डाव्या हाताला फ्रॅक्चर झालं होतं। त्यात मोठी सर्जरी होऊन रॉड वगैरे त्यांच्या हातात बसवण्यात आला होता। सदरील रॉड हा काही छोटी सर्जरी करून सप्टेंबर 2021 मध्ये काढण्यात आला होता। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।